ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर लड़की को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 3 महिलाएं हैं। इनके कब्जे से एक लड़की को भी छुड़ाया गया है। 5 अभियुक्त फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। DCP महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया कि 26 दिसंबर को एक महिला ने थाना बादलपुर में सूचना दी कि उसकी पुत्री घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई है। बच्ची की उम्र 12 वर्ष बताई गई। सूचना पर थाना बादलपुर में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच में यह बात सामने आई कि एक गैंग सक्रिय है जो लड़कियों को बहला फुसला कर या फिर अगवा कर उसे हरियाणा ले जाते हैं, वहाँ उसकी शादी करवा दी। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को लगाया और गैंग का भंडाफोड़ किया। 6 अभियुक्तों को पकड़ा गया, इनमें सोनीपत का जसवीर, रोहतक का सुनील और धर्मराज के अलावा गाजियाबाद की 2 महिला और नोएडा की 1 महिला शामिल है। लड़की को बरामद कर लिया गया है। इन लोगों ने बच्ची की शादी 52 वर्षीय जसवीर से करा दी थी। इसके बदले जसवीर से 70,000 रुपए वसूले थे। पुलिस ने जसवीर को भी गिरफ्तार किया है। आज 9 जनवरी 2022 को थाना बादलपुर द्वारा एक बहुत सफल ऑपरेशन के अंतर्गत एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो छोटी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाते हैं और फिर पैसे के लिए उन्हें अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्तियों से शादी के लिए बेच देते हैं। 26 दिसंबर 2021 को थाना बादलपुर के क्षेत्रांतर्गत छपरौला की निवासी एक महिला द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी कि उसकी 12 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और वहां से लापता हो गई है। ये सूचना मिलने पर तुरंत थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से बच्चे की तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के दौरान यह चीज सामने आई कि शायद एक गिरोह कार्यरत है जिसमें महिलाएं भी सदस्य हैं और कोई महिला ही बच्चे को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गई है और उसको हरियाणा में एक जसवीर नामक 52 वर्ष के आदमी को शादी करके 70,000 रुपए में बेच दिया गया है। इस गिरोह का खुलासा जब हुआ तो इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं एवं जसवीर जिससे उस बच्चे की शादी की गई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह को मूल रूप से रोहतक हरियाणा में ही संचालित पाया गया है, लेकिन ये अन्य स्थानों से भी बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। इसमें और 5 अभियुक्तों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ठोस सुराग पुलिस को प्राप्त हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जो 363 का मुकदमा बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में पहले पंजीकृत किया गया था उसमें विभिन्न अब और धाराएं बढ़ा दी गई हैं और सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा से अतीक मलिक की रिपोर्ट।